हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। अब यहाँ पे हमारा जो नया कल्प है उसको हम बोलते हैं गोदंती भस्म। ओके, तो यहाँ पे हम गोदंती भस्म के बारे में बात करेंगे। तो नॉर्मली ये भस्म के ऊपर मेरा पहला वीडियो है। ओके, तो भस्म जो होता है इंसिनरेशन होता है। इंसिनरेशन मतलब जो ये मेटल है, मेटल नहीं है, ये मिनरल ओर है। तो मेटल जैसे कि स्वर्ण धातु, रजत धातु, ताम्र धातु, आयरन के जो धातु होते हैं यानी लोह धातु जिसे हम बोलते हैं, या फिर नाग धातु, वंग धातु, या फिर जो हमारे कांस्य यानी कि मिश्र धातु, ये सब जो आते हैं, जो जिसे हम अलॉय भी बोलते हैं। तो वहाँ पे कांस्य हो गया, ब्रॉन्ज हो गया। तो वहाँ पे जितने भी वर्त लो ऐसा एक वहाँ पे एक अलॉय है। तो जितने भी ये सभी मेटल मैंने बताया आपको, इनका हम भस्म बनाते हैं, मिनरल्स का भस्म बनाते हैं, जैसे खनिज जिसे हम मिनरल्स बोलते हैं। तो अभ्रक हो गया, वैक्रांत, स्वर्णमाक्षिक, विमल। वहाँ पे जितने भी ये सब मैंने द्रव्य बताया, ये सभी मेटल या फिर मिलियंस का हम भस्म बनाते हैं। तो भस्म इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम डायरेक्टली किसी भी धातु का या फिर जो मिनरल्स और है, जहाँ से वो माइंस करके, डिगिंग करके जो निकाला गया है उस पर्टिकुलर मिनरल्स को, तो डायरेक्टली बॉडी के लिए इंटरनल एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते उसको, और हमें बॉडी में उसको इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन करना है। तो दैट्स वाई पर्टिकुलर मेटल या फिर मिनरल्स का हम भस्म बनाते हैं। इससे क्या होता है कि इसके जो अंदर जो चूर्ण होते हैं, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत ही माइनट पार्टिकल बनके बन जाते हैं, और वो बॉडी के लिए अब्जॉर्प्शन यानी कि वहाँ पे वो जो चूर्ण जो बने हुए रहते हैं, वो विदाउट हार्मिंग दैट पर्टिकुलर चूर्ण टू द बॉडी, वो क्या होता है वहाँ पे फास्टली एसिमिलेट हो जाता है। तो टू एसिमिलेट इट फास्टली, वहाँ पे पर्टिकुलर जो मेटल एफ मिलियंस के अल्टीमेटली हम भस्म बनाते हैं। अब डायरेक्टली अगर भस्म खाओगे, मेटल या फिर मिनरल्स खाओगे, तो वो बॉडी में डिपॉजिट हो जाएंगे, और डिपॉजिट होने के बाद वो स्टोन जैसे प्रॉब्लम, और वहाँ पे इट कैन बी डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, वो हो देखा जा सकता है। तो इसीलिए हम भस्म बनाते हैं पर्टिकुलर मेटल या फिर मिनरल्स का। एंड देन आफ्टर वी आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर खनिज और धातु। तो उसी के मैनर में गोदंती एक भस्म होता है, गोदंती जो है एक मिनरल्स हो रहे, तो जिसे हम जिप्सम भी बोलते हैं। तो ये कैल्शियम यानी कि शुदा वर्ग का एक द्रव्य होता है। कैल्शियम और सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने के बाद कैल्शियम सल्फेट, इसे हम POP जिसे हम बोलते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट और वहाँ पे टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टल है, यानी CaSO4 2H2O, ऐसा वहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक बनता है। तो कैल्शियम सल्फेट इसे हम बोलते हैं, जो कि जिप्सम हम इसे बोलते हैं। तो आयुर्वेद के अंदर इसको गोदंती बोलते हैं। इसका हम भस्म बनाने के प्रोसीजर यहाँ पे देखेंगे। तो इसका भस्म बनाने के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको गोदंती को कलेक्ट करना है। तो गोदंती मीन्स वही मैंने बताया, मिनरल्स और खनिज है। तो आप ये देख सकते हो पतले पतले पत्रे इसके ऊपर रहते हैं। पतले पतले पत्रे इसके ऊपर रहते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले इसको इसकी एक पोटली बनानी है। पोटली या मीन्स कैसे दिखता है, मैंने एक स्लाइड में दिखा था आपको। तो आपको पहले इसको लेना है, जितना आपको शोधन, पहले इसका शोधन करते हैं हम। तो भस्म बनाते समय हम क्या करते हैं, जिस किसी का भी भस्म बनाते हैं हम उसको शोधन करते हैं। शोधन अलग अलग तरीके से बताया गया ग्रंथों में, तो वो ग्रंथों के अनुसार ही शोधन किया जाता है। उसी के शोधन करने के बाद ही क्या होता है, उस पर्टिकुलर जो धातु है उनमें से जो अगर कोई दोष है, यानी कि कोई पर्टिकुलर वहाँ पे इम्प्योरिटीज रहती हैं, वो इम्प्योरिटीज को इरेडिकेट करने के लिए, निकालने के लिए शोधन हम करते हैं। तो शोधन से क्या होता है, मल विच्छेद, मल का निकल जाता है, मल निकल जाते हैं। तो मल निकालने के लिए शोधन करते हैं। तो शोधन अलग अलग द्रव्यों का, अलग अलग खनिज द्रव्यों का, धातु द्रव्यों का अलग अलग पद्धति से बताया गया है। अलग अलग तरीके से बताया गया। तो इसी तरह से हम गोदंती का भी शोधन करेंगे। तो गोदंती शोधन करते समय यहाँ पे दोलायंत्र विधि बताई गई है। तो वो विधि अलग अलग तरीके से विधि हो सकती है, कुछ निर्वाप बताते हैं, कुछ ढालन बताते हैं। तो जैसे गंधक का शोधन करने के लिए ढालन प्रोसीजर बताया गया है, अभ्रक का शोधन करने के लिए निर्वाप प्रोसीजर बताया गया है। तो उसी के मैनर में जो गोदंती का जो शोधन होता है, उसका जो शोधन होता है वो दोलायंत्र की विधि से बताया गया है, उसका हम शोधन की विधि से करते हैं। तो शोधन करते समय हमें दोलायंत्र की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोलायंत्र की रिक्वायरमेंट ऐसा होता है कि इसका हम जो जितना हमें भस्म बनाना है उस गोदंती के पार्ट का, दोलायंत्र पोटली बनानी है। ये देखिए, आप पोटली देख सकते हो, ये हमारी पोटली बन गई। आपको कपड़े के अंदर इसको रैप करना है, और इस पोटली, इसी को हम बोलते हैं पोटली। इस पोटली को आपको क्या करना है, एक आयरन रॉड के ऊपर हैंग आउट करना है। किसको, किसके अंदर हैंग आउट करना है, आपको एक स्टील, जो स्टील वेसल होती है
उसके अंदर आपको एक लिक्विड मीडिया यूज़ करना है। वो लिक्विड मीडिया गोदंती के लिए हमने यहाँ पे अम्ल रस द्रव्य यूज़ किया है, सच एस नींबू रस, ओके नींबू स्वरस। तो नेक्स्ट लाइन में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे नॉर्मली हमने रॉड का यूज़ नहीं किया है, नॉर्मली ऊपर से एक रॉड का यूज़ करते हैं, और ये जो अल्टीमेटली जो ड्रॉप हुआ, जो फॉल हुआ है, इसके अंदर ये पुटली, ये उस रॉड के ऊपर बांध के टांगते हैं, यानी कि हैंग आउट करते हैं। और पुटली का जो बेस होता है, इसके वेसल के बॉटम को टच नहीं होना चाहिए, यानी कि वो दोनों सेपरेट होना चाहिए, लेकिन पोटली इसके अंदर जो लिक्विड मीडिया है इसके अंदर डिप होना चाहिए, टोटली डिप होना चाहिए टिल इट्स नेक। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि आयरन रॉड के ऊपर मीडियली इसको हम हैंग आउट करते हैं, जो कि बॉटम से टच नहीं होना चाहिए, इसका जो जो बेस है पर्टिकुलर पोटली का, या फिर बॉटम बोलो तो, बट बॉटम या फिर बेस बोलो, ओके, तो अल्टीमेटली दोनों के बॉटम इच अदर टच नहीं होने चाहिए, मेरे कहने का मतलब यही है। ओके, हैंग आउट आपको करना है यहाँ पे आयरन रॉड के, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर वुड रॉड, यानी कि लकड़ी का भी कोई लकड़ी का रॉड हो या फिर आयरन रॉड हो, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो इसी प्रोसीजर को, जिसमें आयरन रॉड हो, पुटली लगी हो जो कि हैंग आउट हो, और एक वेसल हो जिसके अंदर लिक्विड मीडिया, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, दोलायंत्र बोलते हैं। तो दोलायंत्र की विधि से तो स्वेदन होता है, यानी कि इसका जो स्वेदन होता है, यानी कि अल्टीमेटली हम यहाँ से हीट अप्लाई करते हैं इसको, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने हीट अप्लाई किया है। तो ड्यूरिंग हीट ये क्या होता है, ये लिक्विड मीडिया आपको ये लिक्विड मीडिया, अलग अलग लिक्विड मीडिया हो सकती है, सच एस वहाँ पे कुछ लोग कुलत्तो क्वाथ लेते हैं, कुछ लोग कांजी लेते हैं, ओके, कुछ लोग जयंती पत्र स्वरस लेते हैं। तो नॉर्मली रत्नों के शोधन के लिए हम जयंती पत्र स्वरस लेते हैं, लेकिन जो शुदा वर्ग का जो शोधन होता है वो हम अम्लरस द्रव्य के द्वारा ही लेते हैं, अम्लरस सच एस नींबू स्वरस। तो यहाँ ये नींबू स्वरस हमने लिया है लिक्विड मीडिया। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे एक वेसल के अंदर कोई लिक्विड मीडिया प्लेस हो, पोटली लगा हुआ हो और हीट सप्लाई देते हैं, तो उसको हम दोलायंत्र बोलते हैं। और दोलायंत्र से क्या होता है, पर्टिकुलर जो पोटली होती है उसको स्वेदन मिलता है, यानी कि स्टीम मिलता है, और स्टीम यानी कि स्वेदन होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्वेदन। तो स्वेदन प्रोसीजर आपको कराना है दोलायंत्र विधि से टिल डेढ़ घंटे, यानी कि आधा प्रहर, ओके, तो एक प्रहर मतलब तीन घंटा, और आधा प्रहर यानी कि डेढ़ घंटे तक आपको इसको बॉइल करना है। ड्यूरिंग बॉइल जो भी वाटर मीडिया, अगर सॉरी ड्यूरिंग लिक्विड मीडिया जो हमने यहाँ पे लिया कम हो रहा है, तो आपको ऐड भी करना है, ओके। इसका शोधन करने के बाद डेढ़ घंटे तक आपको क्या करना है, इसको धोना है, वॉश आउट करना है, और धोने के बाद आप देख सकते हो क्लियर कट हमारा ये जो गोदंतिया पार्ट जो दिख रहा है, ओके, तो बहुत ही दिखने में बहुत ही ये शाइनीनेस हो गया, ओके। तो आप नेक्स्ट स्लाइड में भी देखोगे कि वहाँ पे इसका डायरेक्टली हम, ये तो अभी इसका शोधन हो गया, तो शोधन हमने वही किया, स्वेदन के थ्रू हमने दोलायंत्र के विधि से हमने शोधन किया, और एक डेढ़ घंटे तक हमने वहाँ पे इसका शोधन किया, और शोधन करने के बाद आप रिजल्ट देख रहे हो, ओके। तो इसको हमने जब गर्म पानी से धोने के बाद इसका शोधन कम्प्लीटली हो गया, यानी कि इसमें से इम्प्योरिटीज निकल गई, लेकिन इसका जब भस्म बनाना है कि मारण जब प्रोसीजर करना है हमें, मारण प्रोसीजर के करते समय ये क्या होता है कि इसके जो शोधन यानी कि शोधित किया हुआ जो मेटल है या फिर मिनरल्स हैं, वो जब हम लेते हैं खलवंत्र में, तो इसके जैसे क्या होता है कि इसके पार्टिकल जो रहते हैं, इसके माइनेट्स इन पार्टिकल अभी भी हमें जितना चाहिए उसके माइनेट्स हमें गेन नहीं हो सकती, ओके। तो दैट्स वाई इसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एक गजपुट अप्लाई करते हैं, मतलब वहाँ पे जो मॉडर्न के जो इक्विपमेंट होते हैं सच एस मफल फर्नेस या फिर जो इलेक्ट्रिक फर्नेस होते हैं, ओके, तो ये मॉडर्न इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में हम उसको रखते हैं भस्म बनाने के लिए। तो बिना कोई लिक्विड मीडिया यूज़ किए हुए, बिना इसका चूर्ण बनाए हुए, बिना इसको मर्दन किए हुए, इसको डायरेक्टली हम शराब संपूर्ण में रखते हैं, और डायरेक्टली हम क्या करते हैं, उसको मफल फर्नेस में रख देते हैं। और मफल फर्नेस के रखने के बाद आप ये रिजल्ट देख रहे हो कि डायरेक्टली शोधित किया हुआ हमने जो गोदंती था हमने मफल फर्नेस में रखा, और ये शराब संपुट में रखने के बाद हमने शराब संपुट में यहाँ पे रखा था, शराब संपुट में रखने के बाद ये आप रिजल्ट देख रहे हो, ओके। तो ये हमारा गोदंती का शोधित किया हुआ ही भाग था, लेकिन इसको मृदुता लाने के लिए, इसके अंदर सॉफ्टनेस कैरेक्टर लाने के लिए हमने इसको एक गजपुट किया, ओके, एक बार मफल फर्नेस में रखा, ओके। तो इसके बाद आपको इसको चूर्ण बनाना है, और चूर्ण बनाने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे लिक्विड मीडिया सच एस हमारा जो एलोवेरा का जो जूस होता है, यानी कि जिसे हम घृत कुमारी भी बोलते हैं, ओके, ग्वारा पाठा भी बोलते हैं, तो इसके थ्रू आपको एलोवेरा के जो जूस होते हैं, जो पल्प होता है, इसके थ्रू आपको मर्दन करना है, और मर्दन करने के बाद
आपको छोटे छोटे टिकिया बनानी है, पैलेट्स बनाना है, ओके। उन पैलेट्स को आपको अगेन जो शराब संपुट मैंने दिखाया था उसी शराब संपुट में आपको रखना है, और शराब संपुट ढकने के बाद आपको मफल फर्नेस या फिर गजपुट इन आयुर्वेद, ओके, तो अगेन आपको एक गजपुट अप्लाई करना है। तो एक गजपुट ऑलरेडी मैंने दिया फॉर इट्स मृदुता लाने के लिए, उसको उसमें माइन्यूट्रिएंट कलेक्टर लाने के लिए, ओके। देन अगेन दूसरा गजपुट जो है इनके पाउडर, पहला गजपुट के बाद जो हमें मिला उनको पाउडर बनाया, उस पाउडर को ट्रिचुरेट करना है विद द हेल्प ऑफ एलोवेरा स्वरस, ओके। ट्रिचुरेट करने के बाद उसको पैलेट बनाना है, चक्रिका बनानी है, और चक्रिका को शराब संपुट में रखना है जिसे हम शराब संपुटीकरण भी बोलते हैं, ओके। उस शराब संपुट में रखने के बाद उस शराब संपुट को आपको गजपुट करना है या फिर इलेक्ट्रिक डिवाइसेस या फिर मफल फर्नेस में अगेन रखना है, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो अगेन हमने यहाँ पे रखा है, तो डायग्राम थोड़े से मिसमैच हो रहे हैं, ओके, तो सॉरी फॉर दैट। ये शराब संपुट में रखने के बाद ये देखिए यहाँ पे हमने मफल फर्नेस, ये हमारा मफल फर्नेस है, ओके। तो ये अपर से मैंने फ़ोटो लिया, ओके। तो इस शराब संपुट में रखने के बाद इसको अपर से कवर कर देते हैं हम, कवर करने के बाद हम बाहर से टेम्परेचर एडजस्ट करते हैं, ओके। तो नॉर्मली 8 to 1000 डिग्री सेल्सियस में इसका कंटिन्यूटली 8 to 10 आवर्स में या फिर नॉर्मली 5 to 6 आवर में इसके भस्म रेडी हो जाते हैं। तो आप ये देख सकते हो जो हमने टिकिया बना रखी हुई थी आफ्टर 8 to 10 आवर, ये टिकिया का वहाँ पे भस्म बन जाता है, यानी कि ये टिकिया जो रहती है हमने जो मर्दन किया हुआ जो विद द हेल्प ऑफ एलोवेरा स्वरस एक टिकिया बनाते हैं हम, उस टिकिया को शराब संपुट में रखा, शराब संपुट अल्टीमेटली हमने मफल फर्नेस में रखा, और मफल फर्नेस के रखने के बाद आप ये देख सकते हो रिजल्ट क्या हो रहा है। हमने ऊपर से शराब संपुट का एक भाग निकाल दिया, तो आप ये देख रहे हो कैसे हमने टिकिया बनाया था। तो टिकिया ये देखिए बहुत ही सुसलक्षण, बहुत ही स्मूथ दिखता हुआ वाइट कैरेक्टर का, ओके। आपको क्या करना है अगेन इसका चूर्ण बनाना है, और ये चूर्ण हमारा रिजल्ट जो चूर्ण होगा उसको हम गोदंती भस्म बोलते हैं, ओके। वाइट कलर का गोदंती की भस्म की जो कलर होती है हम उसको वाइट कलर गोदंती भस्म, नॉर्मली शुदावर के जितने भी भस्म आते हैं वो वाइट ही कलर के रहते हैं, सच एज शंख भस्म, सच एज कपर्दिक भस्म, सच एज शुक्ति भस्म, ओके। तो गोदंती भस्म भी एक शुदावर्ग का द्रव्य होता है, लेकिन शंख शुक्ति कपर्दिक ये जो मैंने शुदावर्ग के द्रव्य मैंने बताया ये एक्वेटिक सोर्स होते हैं, और जो हमारा जो गोदंती होता है ये मिनरल का सोर्स होता है, ओके। तो इसको मर्दन करने के बाद आपको ऐसा कुछ पाउडर दिखता है, इसी को हम क्या बोलते हैं गोदंती भस्म बोलते हैं, ओके। तो आपको इसी को ग्लास जार में सेव करके एक क्लोज कंटेनर में आपको रखना है, और यही गोदंती जो भस्म जो होता है इसका अनुपान बताया गया कि कुछ 2 रत्ती से 4 रत्ती तक आपका इसको यूज़ करना है, ओके। यानी कि 250 mg to 1 gram आपको इतना यूज़ करना है, और इसकी जो इंडिकेशन होती है आपको पित्त ज्वर, यानी कि वहाँ पे अगर कोई एक पर्टिकुलर वात ज्वर, पित्त ज्वर, कफ ज्वर, सन्निपात ज्वर, ऐसे वेराइटी ऑफ ज्वर टाइप बताया गया, तो पित्त ज्वर या फिर नॉर्मली ज्वर वहाँ पे इनमें इनका यूज़ कर सकते हैं हम, या फिर प्रदर जैसे प्रॉब्लम, डिस्चार्ज जैसे प्रॉब्लम आ रही है तो उनमें हम इसका यूज़ करते हैं, या फिर वहाँ पे अम्ल पित्त सच एस एसिडिटी जिसे हम बोलते हैं, या फिर ये जो कैल्शियम का सोर्स भी हम वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर गोदंती भस्म का, ओके। तो अग्निमानदेह, अरुचि, लॉस ऑफ अपेटाइट, डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाने के लिए ये सभी इनमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर गोदंती भस्म। हेडेक, शिरशूल में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि गोदंती भस्म जो है शुदावर्ग का एक भस्म है, जैसा हमने शंख भस्म बनाया है, कपर्दिक भस्म, शुक्ति भस्म, ओके। तो उसी प्रकार गोदंती एक भस्म होता है, मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल प्रोसीजर बताया आपको, ओके। तो इसी मैनर में हम अलग अलग भस्म बनाते हैं। तो गोदंती भस्म बनाने के लिए 2 गजपुट की रिक्वायरमेंट हुई, 2 बार मफल फर्नेस में डालना पड़ा। ऐसे जो शुक्ति भस्म होती है उसमें हम 3 गजपुट करते हैं, ओके। तो 3 बार मफल फर्नेस में डालते हैं, तो उनमें हम क्या करते हैं जो ये पाउडर जो हमारा रिजल्ट बना अगेन हम उसको मर्दन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एलोवेरा, और वहाँ पे उसकी टिकिया बनाते हैं। सेम प्रोसीजर 3 बार करते हैं, इसलिए उसमें 3 गजपुट, लेकिन गोदंती भस्म बनाने के लिए 2 गजपुट यानी कि 2 बार मफल फर्नेस में हम रखते हैं, ओके। तो दैट इज़ रिगार्डिंग आवर गोदंती भस्म। अगर हम इसके परीक्षण की बात करें यानी भस्म परीक्षण जो होता है, तो इसका वीडियो मैं अलग से आपको बनाऊंगा। तो वारी तरह भस्म परीक्षण होती है, अपुनर्भव भस्म परीक्षण होती है, रेखा पूर्णतः भस्म परीक्षण होती है। तो रेखा पूर्णतः मतलब आपको इंडेक्स फिंगर और जो थंब फिंगर है दोनों के बीच में आपको पर्टिकुलर भस्म का एक पार्ट लेना है, यानी कि स्मॉल पार्ट लेना है, और आपको रगड़ना है,
तो जितने भी अगर फिंगर्स के जो लाइंस होती हैं पतली पतली लाइंस, अगर उसके अंदर वो पार्टिकल चले जाते हैं तो आपको ऐसा बोलना चाहिए ये बहुत ही बेटर क्वालिटी की भस्म है, या फिर पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर भस्म आपको पानी के यानी कि वाटर के सरफेस के ऊपर डालना है, और अगर वो फ्लोट हो रहे हैं तो अल्टीमेटली ये बेटर क्वालिटी की भस्म है। ओके, तो ये हम डिटेल में फर्दर पढ़ेंगे। तो दैट इज़ रिगार्डिंग अवर गोदंती भस्म, एंड दैट इज़ इनफ फॉर दिस, एंड थैंक यू।